शो की शुरुआत करने से पहले आपको एक बार फिर याद करा दे कि व्हाट्स द Four One One की नई एपिसोड आती है हर थर्सडे आठ बजे तो अपने रिमाइंडर्स और नोट पैड में हर हाँ जगह रिमाइंडर सेट कर लें, ठीक है शो की आज शुरुआत करेंगे हम विद फीडबैक फीडबैक कॉर्नर में आपने जो हमसे सवाल पूछे कुछ कंसर्न का जहार किया कुछ फीडबैक दी उसको हम यहाँ पे एड्रेस करेंगे सबसे पहले बहुत से लोगों ने कहा कि मोमी ने सोनिया को ट्रोल किया है। भाई मेरी आप बात सुने सोनिया ने कहा था बैंग बैंग

और साबित कर दिया सोनिया ने एक और ब्लडर मार दिया सोनिया ने कहा भाई एक पोस्ट शेयर की कि मेरी नेटफ्लिक्स एक फिल्म आ रही है उसके उसने वो फर्स्ट क्लाब का उसने एक तस्वीर लगाई उसने भाई दिल तो मेरा भी किया कि मैं इस बात पे कॉल करूं तो सोनिया को लेकिन मैंने कहा फिर लोग बोलेंगे मोमेंट ट्रोल करता है सोनिया को मैंने वेट किया शुक्र है मल्ली मान एक जर्नलिस्ट है बहुत बढ़िया भाई पाकिस्तान की

इसके बाद पढ़ते ईमान का जो मसला लोगों ने ज़रा उठाया कि ईमान ने हैदर के काम मिले इतनी खुशी का इजहार क्यों किया

जस्ट बिकॉज अगेन मोसी ने जो किया है नहीं किया, उसको डिफेंड नहीं करे वो, हाँ, जो एक किया एक वो गलत, था। गलत है ठीक है जो किया वो गलत है हमें अगर हुआ है तो गलत हुआ है लेकिन सब सिलेबस का पीछे पड़ जाना उसने इस बात की सबूत दिया इस बात का कि जो कमजोर बंदा होता है जो छोटे शहर से आते हैं किसी ने कुछ नहीं किया बड़े चैनल है सब लोग अपना मुँह फेर लेते हैं क्योंकि लड़का था मुँह फेर हो चुका हमने आर्टिकल भी किया था इस पे किसी ने कुछ नहीं बोला सो वाज एन इजी टारगेट सब उसके पीछे पड़ गए अगेन गलत किया अग्रीड बट सबका पीछे पड़ा और ईमान की जो बात है वो ये कि एक बंदे करियर किसी की रोजी पे लात मार दो हम मुस्लिम हैं हम मुस्लिम इतना इस चीज को मानते हैं कि कोई गलती करे उसको माफ करें अगर शर्मिंदगी का झाकरे माफी मांगता है मेरी तो साल हो गया उनको مذاکرات से निकाल दिए इतना कुछ करते सबको सताना यार ही इज डूइंग नथिंग एग्जैक्ट और कुछ काम मिले तो खुश का सारे मान ने कर दिया है ना आई फील आई फील हैप्पी कि उन्हें काम मिल रहा है एटलीस्ट ट्रू और इसके अलावा लोगों ने ये भी कहा भाई कि आपकी आवाज़ थोड़ी ऊंची नीचे है आपका कैमरा थोड़ा ऊपर नीचे है मेरी बात सुने कोरोना चल रहा है ठीक है अम्मा टी नहीं जा रहे है हम लोग घर बंद हैं इसका सबूतता को देता हूँ मैं अम्मा टी और मैं ईमान शूट करती हूँ कैमरे के बीच जाके अब यहाँ पे ईमान आ गई आगे अब अम्मा तो सामने बैठने से रही ठीक है तो हमारी हाउस हेल्प है अनम 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 <laughs> <laughs> अनम मैं, अनम आप बैठी इसक अनम बैठती है कैमरे के पीछे उसको मैं सिखा दिया कैमरे का फोकस करना और स, जूम पे रिकॉर्डिंग वगैरह हम उठ के देख रहे होते हैं तो आप थोड़ी थोड़ी कमी हो, हो जाती है, है। तो लाइटें भी हमें सेट करना नहीं आती है पता नहीं लाइटें क्या सेट करते हैं हम थोड़ा कोशिश करते हैं एडिटिंग भी हमारी उस पर होती है रिमोटली वो घर से करते हैं हमारा थ्रू सो ये सीन है वी रियली मिस यू एंड यार हमारी कैमरा टीम इंशाल्लाह क्यों ना बेहतर हो हम लोग इकट्ठे काम कर सके थोड़ा हमारी बर्दाश्त कर ले नजरअंदे खैर हमने थोड़ी काफी फीडबैक हाँ। कर लिया शो में बढ़े शो की शुरुआत करते हुए हॉट फाइव पार्ट की हमारी पहली पोस्ट है आसिम अजहर के बारे में उन्होंने कुछ दिन पहले एक तस्वीर लगाई इंस्टाग्राम पे कि वो अपनी अम्मी के लिए उन्होंने गाड़ी गिफ्ट की जो उनकी अम्मी की बहुत ख्वाहिश थी बहुत एक स्वीट पोस्ट बहुत, थी है ना बहुत, बहुत बहुत स्वीट थी मुझे बहुत अच्छा लगा यूजली मैंने हमेशा देखा यूट्यूब से बाहर, बाहर के भी हमारे पाकिस्तानी भी कि उन्होंने गाड़ी लेके दे दी सरप्राइज होते जो मतलब हमेशा लगता था अच्छा इस तरह होता है कहीं छोटी तो नहीं आसिम को देख के लग रहा है हाँ भी होता है मुझे बहुत अच्छा लगा ये जस्ट बहुत स्वीट था और अभी पता आसिन अभी दो साल पहले एक और गाड़ी मिली थी उसके बीच में इंस्टाग्राम पे लगाया था एंड ही इज जस्ट 23 इमेजिन माशाल्लाह सेम एज एज मी मैं क्या करूं <laughs> <laughs> नहीं, <laughs> नहीं, <laughs> नहीं नहीं <laughs> हर किसी की जर्नी, जर्नी होती है अपना एक होता है बिल्कुल एग्जैक्टली अच्छा मैं याद है जब आसिम आया था वन टेक उसने कहा था कि मैंने यासिर की गाड़ी मारी थी

मुबारक आदेश करते हैं मुबारको अच्छा हम क्यूँकी गाड़ियों की और गिफ्ट की बात करें तो जहाँ माँ को प्यार मिला वहाँ बापों को प्यार मिला क्यूँकी फादर्स डे था और इससे हम बढ़ते हैं पोस्ट नंबर टू की तरफ पोस्ट नंबर टू एक्चुअली दो पोस्टे एक थोड़ी

उनके साथ तो अबेसी तो मुझे को नहीं पता बट इट्स सो sad कि मतलब कि एक बाप को अपने बच्चों से so तो अबेसी अलैदी के बाद यू you नो know,

बेहतरीन डॉट बे एक आर्टिकल लगा जहाँ पे उन्होंने डिटेल में बताया कि लोगों एक, ने तो पागल हो जाना है लोगों तो ने पागल हो जाए पे थोड़े हदात की वजह से नहीं आ सके बट लोग जल्द आएंगे और पाकिस्तान पे तो सड़कें जाम होने वाली है फिर मैं सोचता था शाहरुख खान सलमान खान आए तो क्या नहीं मचा पाकिस्तान में इंडिया हम कट्ठे फिल्म देखते आए उनकी लेकिन जितना इनका क्रेज होना है उनके लिए कितना

बुलाएंगे। हालात थोड़े बेहतर हो कोरोना बेहतर होनी तो को भी बुलाएंगे आगे बढ़े फिर और बढ़ते भाई है। लास्ट पोस्ट पोस्ट वाइफ जो है अहमद अली बट के बारे में भाई अहमद अली बट ने बेसिकली किया कुछ यूँ उन्होंने जाके लिखा ऑल ऑफ सडन और लोगों को लगा भाई कि अहमद अली बाट कह रहे अहमद अली बाट कह रहे हो आप नहीं आई जो लड़कों को लड़की आप बना सकते हो तो उसमें लोगों को बहुत ही आप, है। क्यों? कलरिस्ट आप, कलरिस्ट कलरिस्ट आप।, आप मतलब के जो भी लड़के है जिनको लड़की बना रहे हैं आप उनका स्किन एक कह रहे हैं और जो लड़कियों को लड़का बना रहे हैं उनको काला रहे हैं क्या मतलब कहना चाह रहे हो कि लड़के काले होते लड़कियां क्या बकवास है मुझे नहीं अच्छा मजे की ये पोस्ट की थी सब ना यार पोस्ट हाँ, की मजे की लड़कियाँ तो, तो, तो लड़के लड़किया बने वो सब बलाये लगी हैं पता नहीं वो 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 किस के लगे वो मुझे, इनस... मुझे, वो लगे लगे इंसान इंसान सना पसंद आई है है ठीक और मैं तो भाई लगी थी मैं मैं भी भाई भाई लगी थी उसके तो अलावा सब लोग पता नहीं किस लग रहे हैं प्लेट के हाँ, बाकी सब अजीब अच्छे नहीं लग रहे लड़को में लड़कियां लड़कियां बनी वो सबलिया लगी हैं

इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जो हैश टैग वट्स द फोर वन वन हमारा वो सेगमेंट है जहां पे आप लोग जो गॉसिप जाना चाहते हैं जो हमें सवाल पूछते हैं यूट्यूब पे कॉमेंट्स में डीएम में उनमें हमें कुछ सवाल चुने हैं और हर हफ्ते चुनते रहेंगे उनके आपको देंगे जवाब बात ठीक है थीके?

ईमान बताएगी कहानी है शायद ईमान की करतूत थी मेरी करतूत बेसिकली हमने एक मीम बनाया था ठीक है कोई मीम बनाने से किसी को ब्लॉक कर सकता है चांद कर सकते हैं है। तो बेसिकली मीम <laughs> ये था एक मॉडल थी जो रैंप पे वॉक कर रही होती है बेसिकली वो ऐसे हाथ मारती हुई ऐसे ऐसे हाथ मारती मेरी खैर शेड इजाजत नहीं देती <laughs> हमने पर लिखा शान शाहिद ऑन ट्विटर शान बहुत पंगी लेते थे ट्विटर पे तब भी अभी लेते हैं

आपको फॉलो अनफॉलो क्या आप तो दिल में है शान हमारे फेक, फेक शान फेक relations हमारे दिल है। में है आई लव <laughs> moment, moment बहुत हो फैन है शान का

केमिस्ट्री है फायरवर्क्स फ्लाई व्हेन दे इन द सेम रूम इन माया के भाई की शादी थी शी वाज डांसिंग और श्रेया वाज देयर पता नहीं देख के ऐसे लग रहा था कि बस कुछ है पता नहीं मेरा है ना मेरा कच्चू भाई प्रमोशन में सबने देखे उनकी नजदीकियां उनकी केमिस्ट्री हर को देखा एंड दे आर सुपर क्यूट

<laughs> आप लोग कमेंट में जरूर बताएं ठीक अच्छा, है अच्छा आगे बढ़े फिर इससे आगे बढ़ते हैं लोगों ने बिलाल वास खान और कि मुझे इनकी कानो कान खबर नहीं हुई। और वो तो, कहीं पे दो तीन अकाउंट्स हमारे पीछे पड़े हुए इनकी बात उठाए तो मैंने थोड़ी सी अब मसला है कि मेरी से दोस्ती है मेरी रमशा भी है लेकिन इतनी दोस्ती थी कि मैं कॉल करूं ओए यार क्या सीन चल रहा है

तो बट इनका सीन है नहीं हम नहीं जानते हो हो क्योंकि थोड़ा जीले के टाइम से साथ मुझे फिर लगेगा अगर तब से था ना इनका तो बड़ा अच्छा लगेगा क्यूट लगेगा इतना पुराना हाँ, था हो वो भी सकता है हो सकता है कि तब से अच्छा लगता हो तो एक्ट ना किया प्रोबब्ली क्योंकि तब से अगर चल रहे तो दैट वाज बिलाल्स फर्स्ट फिल्म एंड दैट वाज रमशा फर्स्ट एंड रिमेंबर जब उनका वो प्रेस मीट हुआ था हम गए थे तो बिल्कुल नए नए थे वो लोग और हम लोग भी नए टाइम भी थे रमशा नहीं आई थी तब रमशा नहीं थी बिलाल आई मैंने रमशा बिलाल था क्यों मुझे बड़ी अच्छी लगी थी वो शायद मूवी के बारे में था तो उस बिलाल से. था और नाम आता मुझे लोगों ने मंजूर लोग हम इस पर घुसना नहीं चाहते थे मिनल वो जो भी एक स्टोरी थी आप लोग जानती है तो आई थिंक अब मंजूर का करके क्वेश्चन आया था तो आई थॉट्स को एड्रेस कर लेते हैं क्योंकि मंजूर ने खुद कह दिया ना कि आई एम सिंगल हेड टू टो एग्जैक्टली ही ही तो इफ ही सिंगल तो इसलिए डेटिंग ब्रेकअप तो हो गया हुआ है ठीक है अब आते हैं मिनाल की डेटिंग पे आप बता दो ब्रेकअप हो गया है बता आप ही बता दो कॉल तो आएगा ही सो व्हाट हैपेंड वाज कि यू नो एसएन मोस्ट एन कॉमिक एक्टर है

हमने इसको लगा दिया मिनाल ऑफ फॉर तो हमने इसको हटा दिया हमने कहा था कि हम पोस्टर को आपकी रिक्वेस्ट में हटा रहे हैं हाँ, exactly. उसका कुछ था नहीं बात आउट हो चुकी ने, ने, थी लोग रिपोर्ट लो रिपोर्ट कर लेते हैं स्क्रीन ले लेते हैं तो वो हो चुका था हमने बात को दबा दिया वहाँ पे लेकिन बात आग तरफ फैल चुकी थी हर जगह वीडियो आ चुकी है यूट्यूब पे और सब कुछ आ चुका है तो अब इनका सीन है नहीं हमें नहीं ने खुद ही कंफर्म कर दिया

इसी नोट पे आई थिंक हमारे शो को एंड करते हैं आपको हमारा शो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं फीडबैक दें सवाल पूछें और देखते रहें व्हाट्स फोर वन वन